Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So BNI-fied, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFAite. Yes, I am an IFAite. Design your future. आगरा में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नवंबर माह में पार्षद प्रत्याशी अपने वार्डों में जीत पाने के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आवास विकास सेक्टर 8 की बदहाली इन जन प्रतिनिधियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जनकपुरी महोत्सव के दौरान इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था। प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन सड़क का निर्माण न होने से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। अपनी और क्षेत्रीय वासियों की जान बचाने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। वैसे तो पानी अमूल्य है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ दुकानदारी है और ये रोड अभी तक बना नहीं है। धूल इतनी उठती है कि खांसी ऐसा लगता है कि अस्थमाना हो जाए। मास्क पहन के रहना पड़ता है दुकान पे, खड़ा होना मुश्किल होता है, इसलिए सुबह शाम तराई करनी पड़ती है। इससे पब्लिक को भी दिक्कत ना हो, मुँह ढक के जाते हैं सब। इसको महीना भर हो गया लगभग, जनकपुरी के बाद से ही है। लेकिन हमें बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ सभी को दिक्कत हो रही है। खाली छोड़ जाते हैं लोग, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अब ये तो यही कहेंगे कि पूरा सिस्टम अभी ठीक नहीं है। अभी अब जो भी है, अब हम तो ये चाहते हैं जल्दी बने। बहुत दिक्कत है रोड पर, डस्ट एक तरह से खा ही रहे हैं पूरी। लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क पर गिट्टी डाल छोड़ दी गई। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी और जन प्रतिनिधियों के आपसी लेन देन की वजह से सड़क का निर्माण कार्य रुका पड़ा है और लोग अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। समस्या तो यहाँ पे जो स्थानीय पार्षद महोदय थे अभी तक, उनसे इस बारे में कई बार जानकारी चाही, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी दी नहीं। कि उनका कहना है कि अब तो मैं पद से हट चुका हूँ, मेरी जानकारी में कुछ नहीं है इसमें क्या हो रहा है। और लगता ये है कि कुछ ना कुछ कहीं कुछ लेन देन का विवाद है इसमें। वो कभी कहते हैं कि फंड पास नहीं हुआ इसके लिए, जबकि पैसा काफ़ी सारा उस समय जनकपुरी के टाइम पे रिलीज हुआ था। कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई जिम्मेदार आदमी सामने नहीं आ रहा है। पार्षद महोदय मुकर जाते हैं कि मेरा तो कार्यकाल पूरा हो चुका है, मुझे मालूम नहीं है। आप अगर पीछे गली में देखेंगे तो ये गली भी पूरा बस बाहर से जो मेन रोड से जो कनेक्टिंग रोड है केवल वो बना करके छोड़ दिए। अंदर की रोड ऑन पेपर्स बन जाएंगी, बाकी सब वो मुझे लगता है कि उसके पैसे का बंदर बांट वैसे ही हो जाएगा। आपने अभी देखा भी होगा रिसेंटली कि पटाखों को लेकर के बड़ा चला के पोल्यूशन हो रहा है। ये पोल्यूशन जो गवर्नमेंट या उसके कारिंदे खुद कर रहे हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। इतने लोग पोल्यूशन से, इससे बच्चे हैं अस्थमेटिक एलर्जी के शिकार हो रहे हैं वो बार बार, बड़े लोग जो अस्थमा को लेकर के बड़े परेशान हैं, इस समय बीमारियां फैल रही हैं। ये सब धूल डस्ट आ रही है पूरे दिन, लोग परेशान हैं लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। नगर निगम में भी आप जाइए, अभी नगर निगम शोशेबाजी खूब होती है। आए यहीं पास में एक पार्क में एक डराव घर पे खड़े होकर के साहब स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन इस वाले स्वच्छता अभियान पे किसी का ध्यान नहीं है। जो लोगों के अंदर ये डस्ट जमा होती जा रही है, इस पे किसी का ध्यान नहीं। पार्षद ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से सभी क्षेत्रों का समान विकास अपने मन में लेकर के चले, किसी दबाव में कार्य न करे और किसी राजनीति के तहत कार्य न करे। सबका एक समान विकास के बारे में अगर वो सोचेगा सारे एरिया की, तो वो सफल हो जाएगा। सड़क निर्माण रुक जाने से लाखों रुपयों के राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही सड़क पर गुजरने वाले दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। लोगों में पार्षदों और मौजूदा जन प्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जनता चाहती है कि ऐसा व्यक्ति जीते जो जीतने के बाद क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करे। बेसिकली जो रोड है सेक्टर 8 और 12 के बीच की है, और समस्या ये है रोड पे कि पिछले 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया इस रोड को पास हुए, जब से ये काम चल रहा है रेगुलरली, और अभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है इन पर रोड पे। आप देख रहे हैं रोड की स्थिति क्या है, गड्ढे वगैरह हैं और ये गिट्टी डाल के ठेकेदार भूल गए हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग।
और रात भर मतलब धूल, पूरा दिन धूल उड़ती है। एस्थमिक हैं यहाँ पे पेशेंट जो हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। रात में जैसे पब्लिक निकलती है, अंधेरे में स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, तो वो लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के चोटें लाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, मतलब हर तरह से प्रॉब्लम है। पर ना तो ठेकेदार का पता है, ना पीडब्ल्यूडी वाले बता रहे हैं पास हो गए पीडब्ल्यूडी का पता। अब उन लोगों का क्या साठगांठ है, कैसे ये लोग नहीं कर पा रहे टेंडर, इनका पूरा अभी तक नहीं हुआ जबकि हो जाना चाहिए था काफ़ी पहले ये काम, तो अब ये समझ में नहीं आता। देखिए, पार्षद और नेता ऐसे तो होने चाहिए जो जनता की प्रॉब्लम को समझें कम से कम। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, अब यहाँ पे पूरा सब विधायक भी, सांसद भी, सब ऐसा तो है नहीं कि कोई रूरल एरिया हो तो ये पहुँच में ना हो, सबके पहुँच में, पर यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। नहीं, बिल्कुल करने चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए उनसे, ऐसे ही काम चलेगा नहीं। वॉकआउट नहीं करेंगे तो वो सोचते हैं कि ठीक है आप चुनावों के टाइम में शक्ल दिखा देंगे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखती उन लोगों की, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान ना होने से मौजूदा सरकार जनता का विश्वास खो रही है। लोगों का कहना है कि आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि समस्या जानने नहीं आया, ऐसे झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जी सर, आज तक तो कोई नहीं आया, 13 साल से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, ना तो कभी पार्षद हमसे कोई वोट मांगने आया है, ना कोई विधायक कभी वोट मांगने आया है, ना कोई MLA MP भी वोट मांगने आया है यहाँ पर। ये समस्या को देखने कभी कोई आता ही नहीं है। और ये रोड के लिए हम इतने परेशान हैं कि पूरे रोड पर धूल परेशान हो रहे हैं, घर धूलों से भरे हुए हैं, और सांस की परेशानी लोगों को शुरू हो गई है। और 2 महीने से PWD और ये ठेकेदार के बीच की कहानी है, वो ठीक नहीं हो रही है। 6 साल से मेयर भाजपा का है और प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, क्या अपेक्षा करते हैं भाजपा सरकार से? भाजपा सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन हमें लगता नहीं है कि उम्मीदों पर खरी उतर रही है वो, और उतरना चाहिए उसको। जिस तरीके से वो वोट ले जाते हैं और समस्या को कहते हैं हम निदान करेंगे, लेकिन वो समस्या का निदान अभी तक नहीं हो रहा है। हम 2 महीने से इस रोड के लिए परेशान हैं, लेकिन रोड पूरी नहीं हो पा रही है। जनता की माने तो आवास विकास के लोग लंबे समय से नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग यहाँ से जीतते आ रहे हैं। जनता में नाराज़गी व्याप्त है, पूर्व पार्षदों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।